is Ankita and welcome back to my YouTube channel which is Ankita's Aesthetic. Hope you all guys are doing well and staying healthy. So, आज का जो वीडियो है वो है छोटू सा आजियो विंटर हॉल. हमने कुछ कुछ विंटर के कपड़े ऑर्डर किए थे आजियो से, सो सोचे क्यों ना आप लोग के साथ आज वही शेयर किया जाए. ऐसा नहीं कि पहली बार हम आजियो से शॉपिंग कर रहे हैं, हम हमेशा से आजियो से कभी कभी शॉपिंग करते रहते हैं. आजियो का एक चीज बहुत अच्छा है कि अगर हर एक प्रोडक्ट के नीचे बहुत सारे कूपन अवेलेबल होता है. अगर आप बहुत सोच समझ के अपना कार्ड वैल्यू करते हो एंड सही सही कूपन अप्लाई करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम रेट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिलता है. बट एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द साइजेस अनअवेलेबल रहता है. अगर आप एस ढूंढ रहे हो तो आपको मिलेगा एक्सेल, एंड अगर एक्सेल ढूंढ रहे हो तो वो तो नहीं रहेगा, आपको रहेगा एस. पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं पता. एंड और एक चीज है, आजियो में प्राइसेस भी हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं. कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज मैंने वो प्रोडक्ट 1000 रुपीज में ऑर्डर किए एंड वेरी नेक्स्ट डे वही प्रोडक्ट 800 रुपीज में मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट आई हैव बॉट फ्रॉम आजियो. सो गाइज, सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि हम आजियो से परचेस किए है वो है एक वेरी 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 क्यूट कलर में, एक पाउडर ब्लू कलर में स्वेट शर्ट. ये हमने ऑर्डर किए थे साइज स्मॉल पे एंड ये हमको पड़ा था कुछ 350 रुपीज एंड इसका MRP है 499 रुपीज. बट अगर आप लोग अभी ये खरीदना चाहते हो तो ये अभी अवेलेबल है 300 रुपीज में. एंड इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इसका सब कुछ अच्छा है, इसका कलर, इसका फिट, इसका लेंथ. बट एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा ज्यादा है इसलिए इसका स्लीव मेरे को थोड़ा सा छोटा हो रहा है. हम बगल में पिक्चर डाल देंगे, आप लोग देख सकते हो. बट अदरवाइज इट्स वेरी नाइस. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हम इसलिए ऑर्डर किए है क्योंकि अभी बहुत सारे वेडिंग सीजन आ रहा है एंड वेडिंग सीजन में हम लोग कुछ कुछ इंडियन मे बी साड़ी लहंगा पहनते हैं एंड हम लड़की लोग तो स्वेटर नहीं पहनते चाहे कितना भी ठंडा हो जाए, बट घर लौटते टाइम जरूर एक दरकार होता है स्वेटर की. सो हम एक ऐसा स्वेटर किए जो कि हम साड़ीज के साथ कैरी कर सकते हैं. ये एक ब्लैक एंड ग्रे में है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है जो कि साड़ी एंड सूट के साथ बहुत ही अच्छा लुक देता है. सो एक्चुअली ये मेरे लिए नहीं, हम इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि कभी कभी मेरे मॉम भी इसको यूज कर सकते. एंड मैंने जितना भी ऑर्डर किए है, जितना भी स्वेटर्स आप लोग अभी तक दिखा है, सबसे अच्छा मेटेरियल लाइक थिक मेटेरियल जो कि आपको गर्मी देगा वो वही है. ये बहुत ही हैवी है एंड इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये बहुत ही सॉफ्ट भी है एंड क्वालिटी अमेजिंग. सो गाइज, द नेक्स्ट आइटम जो हम लिए है वो है ये वेरी क्यूट कलर में, एक पिंक कलर में एक पुलओवर. बट ये फ्रेंकली स्पीकिंग ये हमको उतना पसंद नहीं आया. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ा है. बट हाँ, एक अच्छा चीज है कि इसके नीचे कुछ कट पैटर्न में बना हुआ है जो कि बहुत ही यूनिक लुक देता है, जो कि बहुत ही अलग है. बट प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही पतला है, ये आपको थोड़ा सा भी गर्मी नहीं देगा. बट हाँ, अगर आप ये एज अ टी शर्ट यूज करना चाहते हैं देन इट्स फाइन. और एक चीज है, ये भी हम ऑर्डर किए थे साइज स्मॉल में, बट अगर आप देख सकते पिक्चर में ये हमको बहुत ही लूज फिट हुआ. पता नहीं क्यों बट हमको इसका फिट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ये हाँ, इसका MRP था 799 रुपीज एंड हमको ये मिला 350 रुपीज में. सो हमको लगता है हम ये जरूर रिटर्न करने वाले हैं क्योंकि पता नहीं मॉडल पे जितना अच्छा लग रहा था मेरे पे उतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में जो कि फिर से है एक स्वेट शर्ट, बट इसके साथ एक टोपी अवेलेबल है, एक हुडी अवेलेबल है, कैप. एक्चुअली हमको वो कोटेड वाला टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है एंड इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आई थॉट हमको लेना ही है. सो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर नेवर क्विट.
सो हमको ये कोट बहुत पसंद आया एंड ऑल्सो इसका कलर हमको बहुत पसंद आया एंड अगर देख सकते हो ये मेटेरियल भी बहुत मोटा है, वो जो पिछले वाला पाउडर ब्लू कलर का था वो थोड़ा सा उतना गर्मी नहीं देगा बट ये बहुत ही थिक है। इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा फजी सा मेटेरियल दिया हुआ है जो कि बहुत सॉफ्ट है अंदर से एंड ये भी हम ऑर्डर किए हैं साइज स्मॉल पे, अगर आप लोग देख सकते हैं एंड इसका एमआरपी था कुछ 899 रुपीज एंड ये हमको इसमें कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं था, ये हमको मिला है 749 और ऐसा कुछ। हम एक पिक्चर डाल देंगे, एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे, हमको अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है बट या अगेन इसका भी फिट एकदम परफेक्ट है एंड एक चीज इसका स्लीव्स हमको एकदम परफेक्ट आया है, जो पिछले वाला पाउडर ब्लू कलर का स्वेटशर्ट था उसका स्लीव्स थोड़ा सा शॉर्ट था बट इसका एकदम परफेक्ट है। सो दिस इज द होल लुक एंड आई लव्ड इट। सो गाइज द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लिए है वो है एक बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारा सा ये टेडी जैकेट, इसको शायद टेडी जैकेट बोलते हैं हमको ठीक से नहीं पता। आजकल इंस्टाग्राम में आप कहीं भी देखो सबको ये पहना हुआ मिल जाएंगे। सो ये है एक ब्रांड जो कि हमको बहुत पसंद है आउटराइट से, ये आजियो के एक बहुत ही फेमस ब्रांड है एंड इसमें बहुत ही क्लासिक कपड़ा मिलता है। सो ये थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस था 1800 रुपीज एंड ये हमको कुछ 1200 रुपीज में मिला है बट अभी हम जस्ट चेक किए एंड इसका प्राइस घट के हो गया 800 जो कि हमको बहुत ही अपसेट किया क्योंकि हम ये लिए है 1200 रुपीज में। तो अब आते हैं प्रोडक्ट पे, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसका जो लुक है हमको बहुत पसंद आया। ये थोड़ा सा क्रॉप्ड है इसका लेंथ आप देख सकते हो, इसका लेंथ थोड़ा क्रॉप है एंड नीचे ऐसा कुछ इलास्टिक सा दिया हुआ है सो यू कैन एडजस्ट कि नीचे आपको कितना सा सिंच्ड इन चाहिए, आप अपने हिसाब से ये छोटा बड़ा कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है 2 पॉकेट जो कि बहुत ही अच्छा है, इसके साथ है एक हुडी, इसके साथ एक टोपी भी है एंड इसका कलर है कुछ ऑफ वाइट। सो ये भी हमने ऑर्डर किए थे साइज स्मॉल पे बट ये थोड़ा सा बैगी स्टाइल में है, हम यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर देंगे जिसमें आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे कैरी किया है। सो गाइस सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरा सबसे फेवरेट आइटम ये पूरा हॉल में से जो है वो है ये पुलओवर जो कि हमने पहन के रखे हुए है। इसका स्टाइल एंड इसका कलर हमको बहुत ही यूनिक लगा, इसका जो नेक है आप देख सकते हो इसको आप एक स्कार्फ के तरह, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ स्कार्फ पहने हुए हैं। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, लाइक प्रॉपर जो वुलन मटेरियल होता है ये उसी मटेरियल में है। इसका कलर है थोड़ा सा मॉविश पिंक जो कि हमको बहुत पसंद आया। इसका भी हमको कुछ पड़ा था, थोड़ा सा हायर रेंज पे है ये, हमको पड़ा था कुछ 1150 रुपीज के अराउंड बट अगर पूरा हॉल में से हम कोई भी चीज रिकमेंड करेंगे वो है ये वाला पुलओवर एंड द टेडी वाला जैकेट, वो ये दोनों प्रोडक्ट इज माय मोस्ट फेवरेट आइटम फ्रॉम दिस होल हॉल। एंड अगर आप थोड़ा सा इंडियन वेयर के साथ वेयर करना चाहते हो तो लास्ट ब्लैक वन एंड सॉरी हम लास्ट ब्लैक वन का प्राइस बोलना भूल गए थे, वो है कुछ 750 रुपीज के, 750 और सॉरी इट वॉज 550। सो गाइज इसी के साथ एंड करते आज का वीडियो, फिर से हम वापस आएंगे नेक्स्ट वीक कोई नया हॉल और मे बी कोई नया ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।